में और आपका अछूरियों में स्वागत है। और भाई फाइनली आज हम लोग एक पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। और भाई इस पॉडकास्ट को देखने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि काफी सारे पॉडकास्ट जो है वो हम भी देखने वाले हैं और हम आपके साथ बैठकर देखेंगे। सो आने वाले दिनों में जिसने सजेशन दी है पॉडकास्ट की वो हम लोग कंप्लीट जरूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ पॉडकास्ट बड़े लंबे होते हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम मैनेज करना जरा मुश्किल हो जाता है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल बताएंगे, मौजम टाइटल है अमन गुप्ता अनफिल्टर्ड ऑन TRS फेलियर्स बहुत बोर्ड और जिंदगी दी रणवीर शो हिंदी। मतलब फेलियर बोर्ड उनका ब्रांड है मौसम। वो क्या नाम लेते हैं, मैंने एच डाल गया मैं बीच में। हमारी जिंदगी में बहुत फेलियर आए इस वजह से हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। एनीवे गाइस देख लेते हैं वीडियो से पहले। इस वीडियो के चैनल का विजन है कि आपका हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया लाइक शेयर और फॉलो इनके चैनल को। इसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक और Instagram का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया लाइक शेयर और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक और शार्क के साथ एक बढ़िया TRS हिंदी एपिसोड आ चुका है। आज अमन गुप्ता बोट के अमन गुप्ता आ चुके हैं TRS पर। बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल एपिसोड है, स्पेशली अगर आप एक ऑटोबायोग्राफर हो और अगर आपको इनकी अनकही कहानियों के बारे में ज्यादा जानना है तो आज का एपिसोड आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारी खुद की मेडिटेशन ऐप यानी कि प्योर बाई सब्स टीम की मेडिटेशन ऐप लेवल सुपर माइंड अप लाइव हो चुकी है, डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए। उसके डाउनलोड लिंक्स दिए गए हैं नीचे। एंड विदाउट फर्दर अडू दिस इज अमन गुप्ता ऑन TRS। Okay. अमन गुप्ता जी आप कैसे हो? सेक्सीनेस के देवता अमन गुप्ता आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ी सी बकचोदी करनी है। एक्चुअली आप बहुत ज्यादा लेयर्ड हो एक्चुअली। मैं आई मीन हर किसी को होता है कि आप एंबिशियस हो, बट आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड योर एक्चुअल एंबिशन। ओके, एम आई राइट इन सेइंग दैट? डिपेंड्स ऑन हु द ऑडियंस इज। मतलब जैसे अगर आप मेरी टीम से पूछोगे तो उन्हें पता है कि मैं कितना एंबिशियस हूँ, कितना क्रेजी हूँ, कितना पैरानॉइड हूँ। अगर इन्वेस्टर से पूछोगे तो उन्हें पता लगेगा। अगर हमारी कंपनी की हिस्ट्री देखोगे, ग्रोथ देखोगे, तो आपको दिखेगा कितना हमने जल्दी कितनी ग्रोथ करी है। और अगर आप जनरल लोगों से पूछोगे जो मुझे टीवी पे देखते हैं या फिर जो लोग नॉर्मल हैं, उनको पता लगेगा कि भाई ये तो यू नो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज, सो दे माइट सी वन साइड ऑफ मी विच मे बी दे डोंट नो द अदर साइड ऑफ मी। सो आई डोंट से दैट आई एम वेरी एम्बिशियस ब्रो, आई एम वेरी एम्बिशियस। ओके, आंसर दैट क्वेश्चन। एंड एम्बिशन क्या है? किसका? मेरा? एंड में क्या करना? यार ये ना चेंज होता रहता है, मैं सही बताता हूँ। एब्सोल्यूट एंड मैं डेथ बेड की बात कर रहा हूँ। मतलब? मतलब जब आप डेथ बेड पे होंगे, what would you have liked to have done in life? I would have led a life where I would have had people around me happy. Family, friends, people who know me, यार बंदा सही था, गाली नहीं देंगे, वो मेरी आपकी लाइफ में एक कोई इवेंट के बारे में बताइए जिसकी वजह से आप में थोड़ी सी मोटिवेशन आ गई। मतलब कभी कभी लाइफ के इवेंट्स की वजह से आपके दिमाग में कभी कभी गुस्सा भर जाता है, मोटिवेशन भर जाती है, उस इवेंट के बारे में बताइए। कुछ तो हुआ होगा आपकी लाइफ में पर्सनल? हाँ, या जो भी, मतलब आई डोंट नो, मे बी प्रोफेशनल, मे बी सम चाइल्डहुड थिंग। यार मुझे जो चाहिए वो चाहिए। मैं ना थोड़ा चेप टाइप का आदमी, ठीक है? तो माय वाइफ प्रिया, शी वाज एक्चुअली यू नो शी सो शी वाज नॉट टू इंटरेस्टेड इन मी इनिशियली, बट यू नो सो आई चेज्ड हर। Like, you know, I think a lot of men and boys also have that, you know, you have to. So I was like persuasive and I was like, chep ho gaya tha, that, you know, she is good and she is for me. And, you know, I never thought that in, you know, about that. I actually, it's a small story. I actually chased her. So she was like, she was studying in Pune. Pune mein padh rahi thi. Aur usne ekdam se na, she said ki yaar ye banda chep type ho raha hai mere liye. उसने SMS किया मुझे। उस टाइम पे SMS चलते थे, WhatsApp was not, I think, was not even born. तो SMS किया कि आई एम यू नो वी हैड गुड टाइम टुगेदर, बट नाउ आई लाइक यू, बट आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप फर्दर, करके वो चली गई। सो शी वेंट ऑन अ ट्रेन, शी वॉज गोइंग टू पुणे, ठीक है? सो शी सेट दिस एंड पुट हर मोबाइल ऑफ, राइट? मोबाइल ऑफ कर गया। नाउ आई डोंट हैव एंड उस टाइम पर मोबाइल वॉज द ओनली वे टू कम्युनिकेट, राइट? मुझे ये भी नहीं पता था वो कहाँ रहती थी,
because she was staying, her family was in somewhere in Greater Noida, but her nani was staying in Delhi. So she used to stay with her nani, but work studying in Amity. But now she was going to Pune. Okay? And she was like, phone off karke, band karke, that I'm going. That we had done types, right? And so I, Mirko, and I loved her, right? And I was like, dude, why is this happening? I was not able to get an answer. Closure nahi mila tha ki ye hua kya? Aise abrupt message karke koi train mein chadke, she's going. And she's like, bye, it's over, right? And I was messaging, but messages deliver nahi ho rahe the because she had put her phone off. Now probably she'll take a new number or something. But main itna aisa wo nahi tha pagal ki chep type ki bhai ye matlab we were good friends. And suddenly she's like, done. See ya. So I didn't know what was happening, but I knew she was going to Pune. So main raat ko bahut pareshan hua us raat ko ki yaar ye hua kya mere saath, ye aise kaise kar sakte hain aisa, you know. To maine apne मेरे को नींद आई रात को, बट मैं सोचा फिर मैं मेरे डैड थे, हम लोग बिजनेस में साथ थे, तो मेरे डैड ने भी देखा कि यार इसको क्या हो गया, पागल सा लग रहा है, थोड़ा सा बहवाया वाला बंदा है, क्यों कह रहा है, मुझे क्या हुआ? तो आई स्टार्टेड लाइक शी इज आई लव्ड हर बट शी डजंट लव मी एनीमोर. तो उनके अंदर ना वो दिल वाले का अनुपम खेर आ गया ठीक है कि जा बेटा जान लिया अपनी सिमरन को, तो समझा तो जाके बात कर ले. नाम लिखे होते थे पहले, चार्ट लग जाता है, अभी कैसा होता है, बट चार्ट लग जाता था, उसमें नाम लिखा होता था किसी का रिजर्वेशन होती थी, अब तो शायद एसएमएस या व्हाट्सएप आ जाता है कि आपकी कंफर्मेशन है, तो पूरे चार्ट देखे उसमें उसका नाम ही नहीं था. फिर मैं ऊपर चढ़ गया प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर देख रहा था, तो मुझे दिखी नहीं. So I knew that she's not in this train. So there was a second train which used to go from a different platform at 2 p.m. मैंने चला वहाँ चलते हैं. तो मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं normal jeans t-shirt पहन के दूसरे स्टेशन पहुँच गया और वहाँ मैं प्लेटफॉर्म पे ऊपर खड़ा हो गया ठीक है. और मैंने चार्ट में देखा उसका नाम था that she's going. और मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया ऊपर और मैंने देखा कि I saw her. तो ना मेरे पास टिकट ना कुछ, ट्रेन चल रही थी और मैं भी चढ़ गया. So I just chadoed in that train. And मैं बड़ा वो एंड शी वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट क्लास में, वो टू टायर एसी में बैठी थी. तो मैं यहाँ से चलता हुआ आया, मैंने साइड में देखा उसकी तरफ, वहाँ हीरो की तरह हाय. तो उसकी भी मतलब शी वॉज ऑल्सो लाइक टू, ये हुआ क्या है, ये कैसे इस ट्रेन में आ गया, राइट, शी वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड लाइक मैं ऐसे मतलब हीरो हाय. और वहाँ से आपकी एक्चुअल लव स्टोरी की शुरुआत, वहाँ से लव स्टोरी की, मतलब लव स्टोरी थी, पता नहीं क्या हो गया था बीच में. Okay. और लव स्टोरी की फिर मैं देन फिर मैं वापस आया एंड देन यू नो लाइक फॉर टेन फॉर फ्यू आवर्स वी वर टॉकिंग एंड आई ट्राई टू कन्विंस हर एंड वी स्पोक एंड शी स्पोक एंड वी केप्ट टॉकिंग टू ईच अदर एंड मेरे पास टिकट भी नहीं थी. फिर मैं चढ़ गया बस, वो टी टी डी से बात करते हैं ना, हो जाता है, टिकट दे देते हैं वो लोग. तो करके फिर आई टुक अ फ्लाइट बैक होम, बट आफ्टर दैट प्रिया एंड आई हैव बीन टुगेदर फॉर लास्ट 15-18 ईयर्स. एक सवाल पूछना आपसे, क्योंकि आप अपनी वाइफ को इतना ज्यादा हाईलाइट करो कि आपको ये पता है कि अमन गुप्ता वाइफ एक बहुत हॉट सर्च टर्म है गूगल पे. हां मुझे नहीं पता, सही में हम सर्च टर्म्स पर रिसर्च करते हैं बिफोर पॉड. ओह वाओ, क्या बात कर रहा है, शी विल बी हैप्पी, आई विल टेल हर. उनका कितना बड़ा रोल रहा है आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, और क्या जनरली एंटरप्रेन्योर्स के पार्टनर्स मैटर करते हैं जर्नी में, जो भी आपने ऑब्जर्व किया बेस्ड ऑन, बिकॉज मैंने बहुत ऑब्जर्व किया आपके बारे में, मनीष भाई के बारे में. अच्छा, योर पार्टनर्स मैटर अ लॉट. अच्छा, आप ये मानते हो? यार ईच हैज अ डिफरेंट स्टोरी. अभी जैसे आपके स्टो मेरे इसमें तो बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर यू नो इफ यू आस्क मी कि मैं थोड़ा सा ना क्रेजी टाइप का इंसान, सो फॉर मी इफ आई गो होम आई यूज टू, व्हेन बोट वाज स्टार्टिंग आल्सो नो आई यूज टू गो, मैं उससे पहले बाद में जाऊँगा बट बोट का बताता हूँ. जब मैं घर भी जाता था ना, तो मैं फिजिकली घर जाता था बट मेंटली मैं घर पर नहीं होता था, काम पर ही होता था. सो ऐसे पागल इंसान को समझना और उसके बीच में रहना कि वो मेरे साथ बैठी है बातें कर रही है और मैं बीच में लॉस हो जाता था, मैं लॉस हो गया, कुछ दिमाग चल रहा था कंपनी में काम में, हो के भी ना होना यू नो, और छुट्टियों पे जा रहे हैं और सोच रहा हूँ कंपनी के बारे में. आई एम वेरी आई वॉज यू नो वेन आई वॉज वेन आई वॉज वेन बोट वॉज स्टार्टिंग एवरी थिंग फॉर माई माइंड वॉज बोट. तो आपकी एज क्या था? 34. So I also had a daughter that time. So you know, I always say ki Ada has been brought up by Priya because I was taking care of the other child, which was Bot. So for me, man, handling a person like me is tough, right? So you need a lot of patience, which she has, and she balances me out a lot.
सो आई थिंक फॉर मी इट इज़ मेरा नहीं होता अगर कुछ, और स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि बिफोर जब मैं अपने डैड का बिजनेस कर रहा था तो उस टाइम पे भी ना आई वॉज 27-28 एंड बिजनेस स्टार्टेड फीलिंग ना जब तुम व्हेन यू आर मैरिड इन टू अ हाउस वेयर इट्स अ फैमिली बिजनेस सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग the dynamics change after marriages also and the business also was going through some changes right the dynamics change after marriage yeah because you know you I'll come to that also but jab priya ne us time pe mujhe bola tha ki tu jaake mba kar you know you're young you can still do an mba I never even thought about ki let me do an mba right so she pushed me to do an mba and I was 29 when I went for my I was 27 when I got married and 29 I went for an mba so going to an mba restarting your life at 29 is also tough right so she's pushed me and then marketing when we were doing both there was a time when I had to hire an agency aur agency na 50000 rupees maang rahi thi ki 50000 rupees lenge marketing agency mein hum social jagah karte hain 5000 rupees bhi nahi hote the to usne bola 50000 rupees lenge to priya ne bola ki are tu khud kyun nahi seekh leta main youtube gaya 15-20 din maine youtube mein research kiya how to do marketing how to do performance marketing how to do ams so for me she's like a you know when we used to when I started boat also na it is like we do it together like ghar aake mere se puchti hai abhi bhi ki kya chal raha business mein kitna kya is saal ki sale kitni hui to mujhe bahut stress bhi hota hai she's like an unofficial board member in our company unofficial business coach so it's like ours it's not my business it's our business priya and I are together in that so it's her business more than me I'm just it sometimes feels that she's running the show I'm just a puppet who's just doing what she's asking to do ye bahut bandon ke liye dream hoti hai just by the way aman ji आपने फोकस और इन सब चीजों के बारे में अभी आप सॉर्ट हो चुके हो यार लोगों को लगता है मैं तो सही बता रहा हूँ हम लोग नॉर्मल इंसान हैं लोगों को लगता है कि आप यू नो आपने सब कर चुके हो आप गलतियाँ नहीं करते होगे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते होगे आप ये बोलते नहीं होगे आप बहुत ऐसे होगे भाई मैं नॉर्मल इंसान हूँ धंधा स्टार्ट किया अच्छा चल गया पैसे कमा लिए फिर शार्क टैंक की अपॉर्चुनिटी है शार्क टैंक कर लिया नॉर्मल लोगों की तरह और गलतियाँ करता हूँ आज भी कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्ट होता हूँ आज भी होता हूँ तो इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड देन दैट इज़ हाउ You have people around you who bring you back. But किन चीजों की वजह से distract होते हो? Business से distract होते हो आप 10 चीजें और करने लगते हो जो आपको नहीं करनी. Then you go back to basics कि बस business में ये करना है. पैसा आता है तो आप 10 चीजें करते हो यार एक कंपनी खरीद लेता हूँ मैं यहाँ invest कर देता हूँ मैं ये कर देता हूँ. But then you go back. So distractions is part of life. But you have to keep coming back to where you belong to. दो चीजें कहना चाहूँगा. पहली, it's about time that entrepreneurs are celebrated in the country. So it's great. I feel for the other one, especially जो young entrepreneurs, बहुत अच्छी बात. सेकेंड थिंग आई फील कि ये बहुत क्रिकेट फेम की तरह बन चुका है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट फेम इज एन आउटकम ऑफ रिजल्ट्स ऑन द फील्ड एंड अभी आई फील नाउ एंटरप्रेन्योरियल फेम विल बी एन आउटकम ऑफ रिजल्ट्स इन एंटरप्रेन्योरशिप आई मीन इट्स गुड और बैड इट्स वेरी गुड मेरिटोक्रेसी जो कहते हैं बेस्ड ऑन योर मेरिट यू गेट रिजल्ट्स अच्छी बात है सो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग कि यू वांट टू फोकस मोर ऑन बोट इट्स लाइक स्कोरिंग मोर रन्स इट्स लाइक बोट इज माई बेबी एंड आई लव बोट एंड यू लव योर बेबीज एंड इफ यू वॉन्ट टू एंड यू डोंट लीव योर बेबी इन बिटवीन यू वॉन्ट टू ग्रो योर बेबी सो बोट के साथ जो कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू नो दिल दुखता है क्योंकि हमने अपने बच्चे को बड़ा किया हमने पैदा किया है और बोट अगर बीच में कहीं प्रॉब्लम होती है तो वी जंप बैक सॉल्व इट एंड देन यू नो समटाइम्स यू फील यू वॉन्ट दैट बेबी टू डू वेल एंड दैट इज वॉट बोट इज डूइंग सो इट्स लाइक यू नो वी हैव आई हैव थ्री किड्स टू विद प्रिया एंड वन विद समीर विच इज बोट will you ever leave Shark Tank to just focus on boat again? And I also feel कि आपको बहुत तगड़ी personal branding, I mean you know this, बहुत तगड़ी personal branding मिल चुकी है. In fact, I feel like boat as a brand got its biggest boost because of you becoming a personal brand. Correct me saying this? Yes and no. Okay. यार Shark Tank ना बड़ी सही चीज़ है. मैं बताता हूँ Shark Tank अगर तू पूछेगा ना बहुत सारी चीज़ें हुई है Shark Tank. Personal branding, yes, it has, you know, it has eventually people now know कि अमन क्या चीज़ है. But company को वो फायदा हुआ है. मैं बताता हूँ कैसे. अब जगह जगह पे लोगों को बोट का पता है इट्स लाइक अवेयरनेस लेवल इज एट ऑल टाइम हाई एंड पीपल नो अबाउट इट और जितने लोग देख रहे हैं उन्हें बोट पता है एंड दे आर एबल टू रिलेट दैट कि यार ये बंदा है बोट के पीछे अमन गुप्ता तो उनको वो भी समझ आ रहा है कि देर इज अ पर्सन बिहाइंड कंपनी विच इज अमन गुप्ता एंड नाउ समीर ऑल्सो यू नो आई कीप टॉकिंग अबाउट समीर एंड समीर इज अदरवाइज अ वेरी यू नो ही डजंट लाइक टू बी ऑन द लाइमलाइट ऑल्सो दैट मच तो समीर और मेरा पता लग रहा है कि देर आर पीपल बिहाइंड अ ब्रांड थर्ड भाई एंटरप्रेन्योर कितना अच्छा पता है जो आता है उसकी सेल बढ़ जाती है ओवरनाइट ब्रांड बन जाता है जिसकी तू
जिस बंदे को 15 मिनट में ऐड करना टीवी में, 10 सेकंड का ऐड लेने में ना 15-15 लाख रुपए लग जाते हैं। वो बंदा शार्क टैंक पे आता है, इंस्टेंट हिट है बॉस, वो ब्रांड बन जाता है। तो कहता हूँ इसको फंडिंग नहीं भी चाहिए भाई, शार्क टैंक पे आ जाओ, इतनी फ्री मार्केटिंग है पूछो मत। इट्स लाइक अगर तुम 10 मिनट तक टीवी पे आ रहे हो ना, तुम्हारा ब्रांड लोगों को रातों रात पता है कि लेक्स्ट्रा क्या है, बमर क्या चीज है, रिवाइव मोटर्स क्या है, फ्लैट हेड्स क्या है, ओवरनाइट ब्रांड सेंसेशंस बन जाता है। सो यू स्पेंड, इट्स लाइक 10 करोड़ की ब्रांडिंग तो तुम्हें फ्री मिल रही है, करेक्ट, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सेकंड, अगर शार्क मिल जाए तो और फायदा है, क्योंकि देन यू हेल्प, बिकॉज़ मेरे को ना अपनी लाइफ में कभी मेंटर्स नहीं मिले जा रहा, तो अगर मैं किसी की हेल्प करूं मुझे अच्छा लगता है। तो एज फाउंडर्स अगर तुम्हें शार्क टैंक में शार्क मिल जाए तो तुम्हारी लाइफ अच्छा शार्क मिल जाए, मतलब डिपेंड्स इस थॉट पर एक्सपेंड कीजिए अमन भाई। तो अगर उन्हें अच्छा शार्क मिल जाए तो उनके लिए और फायदा है, बिकॉज़ आई विल बी एबल टू हेल्प देम। और कंट्री के लिए बहुत अच्छा है बॉस, कंट्री के लिए बहुत सही है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोग, जब मैं स्टार्ट किया था ना तो लोग पूछते थे ये धंधा कर रहा है, बिजनेस करता है, बिजनेस बोलते थे, तो बिजनेस कर रहा है। अब एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं एंड मॉम्स आर एबल टू टॉक अबाउट इट, एंड यू नो आई टेल यू अ स्मॉल स्टोरी लेटर, बट देयर आर पीपल हु टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आपने भी बोला सेलिब्रेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज बिकमिंग अ नॉर्म, और ये शुरुआत है, ये शुरुआत अभी तो स्टार्ट हुआ है। स्टार्टअप्स वर नॉट इन फैशन, स्टार्टअप्स वर नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ को भी बड़ा स्ट्रेस हुआ था कि बेटा ये अच्छा वाला, लाइक यू नो माय डॉटर वेंट इनटू अ गुड हाउस एंड शी इज मैरिड इनटू, एंड दिस गाय वाज पढ़ा लिखा आदमी है, और इसने यू नो बिकॉज दे हैव ऑल बीन सर्विस क्लास, राइट, दे हैव ऑल वर्कड इन वर्कड एज एम्प्लॉइज, एंड सडनली शी इज लाइक कि यार इसने नौकरी छोड़ दी, अब ये बिजनेस करेगा और उसका भी कुछ पता नहीं क्या होगा। सो शी गॉट टेंस्ड, मतलब जब वो मेरे को मिलती थी ना कैसा चाहिए उनका, मेरी आंखों में दिखता था कि उन्हें स्ट्रेस हो रहा है कि यार my daughter is learning and this guy is not doing anything, ये मेरी बेटी कमाती है और ये निकम्मा निकल रहा है मेरा दामाद, तो उन्हें इतना स्ट्रेस होता था कि मेरा अब क्या कहती अब तो फ्लॉट करते हैं, मतलब प्राउड फील होते हैं, और अमन हां मेरा दामाद, मेरा अब कोई टॉपिक भी नहीं होता तो मेरी तारीफ करना शुरू कर देते ताकि दूसरे को पता लग जाए कि यार ये मेरा दामाद है। अब तो उनका फेवरेट बेटा, बक्स ऑफ फेम, बक्स ऑफ फेम, राइट, बट इट इज व्हाट इट इज। पता मैं आपको इस फेज के बारे में क्यों ज्यादा पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर कोई शार्क टैंक को एक बहुत ग्लैम पर्सपेक्टिव से देखता है, स्पेशली जजेस को, मतलब इट्स अ लिटिल बिट अनरीचेबल, और सबसे रीचेबल जज आपकी रिलेटेबिलिटी की वजह से आप, एंड आई फील इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट बिगिनिंग्स, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट स्ट्रगलिंग फेजेस। ये आपका स्ट्रगलिंग फेज था, यार एक पिच आई थी फ्लैट हेड्स, देखिए तुम नहीं, ठीक है तो देखिए एक पिच, ठीक है सेकंड सीजन में अच्छी पिच थी उस बंदे के साथ, क्या आपने देखी ना, तो उसमें क्या होता है बंदे के साथ उतना ना तीन, उसका बिजनेस चल रहा था, मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा, मैंने कह रहा है ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट बहुत ही बनता है तेरा, उसने बोला 5,000 का बेचता, बोला पागल है 5,000 का जूता कौन खरीदेगा तेरा, यू नो मैं नाइकी खरीदूंगा 7,000 में, मैं एडिडास आ जाएगा 2.5 में तो एडिडास आ जाता है, मैं 5 में तेरा क्यों खरीदूँ, अजीब आदमी है, प्रोडक्ट भी ख़राब है। कहता ये मैं ऐसी मार्केटिंग करता हूँ, मैं 60% ऑफ माई मनी गोज इंटू 60 और 50 इंटू परफॉर्मेंस, अजीब आदमी, ठीक से मार्केटिंग भी ठीक से नहीं कर रहा, प्रमोशन भी ठीक नहीं कर रहा, कहाँ बेचता है, ऑनलाइन में बेचता हूँ अपनी साइट से, और ये मेरा वो चल खराब। तो मैंने वहाँ पे बोला कि भाई तेरे तो चारों पी मार्केटिंग में होते हैं, 4 P's, यू नो बहुत पुराने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था 11th में, बोल दो ऑडियंस के लिए। हाँ बताता हूँ, मैं बोला भी था शो में, बोलता प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये 4 P's होते हैं, सिंपल चीज है। मतलब भाई मतलब अगर तू नॉर्मल देखे इंडिया में 5,000 का जूता खरीदने वाले कितने लोग हैं भाई, तू या तो ये तो अमीरों के चोचले हो गए ना थोड़े से, वो 1% ऑफ इंडिया जो ले सकता है, मैं भी नहीं लेता था 5,000 के जूते जब तक पैसे नहीं आए, तो मैं क्यों लूँगा पैसे नहीं है जाओ, मतलब ये क्यों चलेगा। और वहाँ पीयूष और विनीता उसे पैसे दे रहे हैं, हाँ कि भाई तू पैसे ले ले हमसे, क्योंकि उसके पैसे खत्म होना यार, पैसे नहीं मिले तो तू क्या करेगा। कहता पता नहीं कंपनी बंद भी हो सकती है, उसने ये कहा मेरे को उसमें मैंने अपने आप को देखा उस बंदे में, मैंने बोला कि यार ये तो मेरी वाली फेज है, बोट स्टार्ट करने से पहले ना मेरे 5 failures हुए थे, बट बोट एक चीज़ है जो सक्सेस हुई है, people don't remember, people don't know about the failures we go through, people only know the success, right, but it's very important to talk about the failures because you don't need 5 success, you need 1 success and I'm here, you know what I mean, ek success chahiye. और उस बंदे में मैंने अपने आप को देखा कि भाई इसको तो अभी मेरे साथ हुआ था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था बंद करना पड़ा और सारे लोग बहुत लॉस हुआ हमारा मेरा, मैं सारे अपने पैसे मतलब जैसे होता ना हमने मेरे पास 30 लाख रुपये सेव हुए थे और मैं ऑपरेट करी उसे, हाँ और वो मैंने सारे लगा दिए और सारे बंद हो गए, खत्म पैसे खत्म, और बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि क्या होता है ना आपके आसपास लोग अच्छा कर रहे हैं, आपके EMIs बन जाती हैं, आपकी फैमिली होती है, आपको उसको सस्टेन, मैंने बोला यार तेरी उसकी डॉटर थी 11 साल की, मेरे को इतना तरस आया ना उस पर, मैंने बोला देख भाई बंद कर कंपनी बंद कर दे, अनुपम ने भी देखा कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, दिस कैन नॉट सस्टेन,
पीयूष और उन्होंने ऑफर दिए, मैंने बोला ये तेरा प्रोडक्ट में दम नहीं है, तेरा बिजनेस में दम नहीं है, नौकरी कर, पैसे कमा, थोड़ा सीख किसी ब्रांड में, यू नो, और स्मार्ट बंदा यार, आईआईटी आईएम का बंदा, मैं बोला सीख, वापस आ, रीस्टार्ट कर अपनी लाइफ, यू कैन कम बैक स्ट्रॉन्ग. तो मैंने बोला यू आर डाउन बट नॉट आउट, दैट वाज अ स्टेटमेंट व्हिच आई टोल्ड हिम, कि बस इन लाइफ यू कैन बी डाउन बट यू नॉट आउट, राइट, यू कैन कम बैक. यू नो अच्छा नहीं चल रहा स्कोर, आउट नहीं हुए हो, जब तक नहीं हुए हो तब तक आप लास्ट में भी छक्का मार के जीत सकते हो, राइट, अगर एक बॉल पे 6 रन भी चाहिए, मतलब जा रीस्टार्ट कर, वापस आ स्टार्ट करके. एंड ही टुक दैट एडवाइस, ही डिड नॉट टेक दैट ऑफर, बट ही टुक माय एडवाइस एंड ही सेड आई डोंट वांट योर ऑफर, आई विल क्लोज डाउन दिस बिजनेस. सो फॉर मी आई फील दैट इट्स ह्यूमन टू बी, एंड आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग हु इज जस्ट डन डिसेंटली वेल एंड सिटिंग हियर एट एज अ शार्प विंड, यू नो, कि हम लोगों को अलग लेवल से देखते हैं ना, मत देखो भाई, हम आई वॉज on that side of the table like 1 year back and you can be here after 1 year, so if I can be here anybody can be here is what I say. Okay. I was never a super intelligent guy, I was never, you know, jaise baaki log IIT sab ye Ashnir IIT, IIM, Vinita IIT, IIM aur ye Amit Jain IIM IIT or something, IIM Ahmedabad, sab intelligent log hai yaar, itne intelligent log baithe hain aur main ek hustler jisko, it's not that I'm not studied well, I'm decent education background, but I'm more of a practical guy. Then academically, मेरे ना सी ए में ना पासिंग मार्क्स होते थे 600 में से 300, मेरे 301 आए थे, मैं उतना ही पढ़ता हूँ जितनी जरूरत है, ज़्यादा पढ़ के क्या मार लिया. सी ए की डिग्री इंपॉर्टेंट है ना, एम बी ए में क्या होता है ना, घुसना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, निकल सब जाते हैं, मतलब घुसने के लिए फाइट मारूंगा, निकल तो मैं भी गया ना, हम लोग यही बोलते हैं सी ए एम बी ए तो एक फील है, बट ऐसा कभी गोल्ड मेडलिस्ट सामने बैठा हुआ फर्स्ट रो, आई वाज नेवर, आई वाज लाइक मोर ऑफ अ बकचोद पीछे लास्ट रो में बैठा हुआ इंसान होता था, फाइट मारता था बट इंजॉय करता था जिंदगी, अप्स एंड डाउन चले, मन नहीं करता था पढ़ने का, मन रिलेशनशिप का हो रहा था तो 11th 12th में पढ़ाई भी नहीं करी, फिर लगा यार भाई तो फट जाएगी लाइफ, मैं सब पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने सीए करी, फिर सीए करने के बाद फिर मन नहीं किया काम पढ़ाई करने में, छोड़ दी, फिर एमबीए के लिए मैंने फाइट मारी कि घुसना है, घुसने के लिए फाइट मारी, घुस गया, फिर मेरा वहाँ जाके मन नहीं करा. डू यू फील कि जो स्टूडेंट्स ऑफ 20s में उन्हें एमबीए करना चाहिए, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. देख यार जो फर्स्ट आता है ना उसके ऊपर ना सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है परफॉर्म करने में, वो जिंदगी भर फर्स्ट आया होता है और उसको ना आदत हो जाती है फोड़ने की, जो लास्ट आया होता है ना उसको नथिंग टू लूज होता है. जो हम लोग होते हैं ना थोड़े से बैक बेंचर टाइप के लोग, हमें पता है कि बस पढ़ाई तो हमने करी नहीं, अच्छी नौकरी भी नहीं लगी हमें, तो हमें तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो हमारे अंदर ना अलग टाइप का कीड़ा होता है कि बस हमें तो करना ही पड़ेगा, तो देर इज नो फॉल बैक ऑप्शन फॉर पीपल लाइक मी. और पर्सन हु डन वेल एंड इज गॉन इन टू हुज गॉट लाइक दैट क्रेजी डिग्रीज, इज वर्क इन द बेस्ट कंपनीज, नो दे नो दे विल गो बैक टू द सेम कंपनी और दे विल गो डू समथिंग ऑफ देयर ओन. हमारे साथ क्या होता है ना, बस भाई अगर ये अगर बोट नहीं चलती ना, तो मेरी वाइफ ने मुझे ऑप्शन दिया था कि बॉस अगले अगर 2 साल में बोट नहीं चली ना तो तू नौकरी करेगा, जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ करेगा और बिना रोए करेगा, क्योंकि सब अच्छा कर रहे हैं, तू ही आते जाते नौकरी छोड़ देता है. तो मेरे को तो ऐसा अल्टीमेटम मिला था, तो हमारा ऑप्शन ही नहीं था भाई, बोट चलानी जरूरी थी, फटी नहीं थी. आपको इमेजिन नहीं कर सकता नौकरी करते हुए एट दिस स्टेज नाउ. मैं भी नहीं कर सकता भाई, मुझे तो निकाल भी देते थे कंपनी ज़्यादा, ऐसा टाइप का इंसान था मैं. ओके, क्योंकि मैं ज़्यादा देर मेरे को मेरे अंदर कीड़ा था, नहीं करता. केलियर्स के बारे में बताइए, वो जो टाइप कंपनी से फेल हुई थी. केलियर्स मतलब कौन सी कंपनी थी और क्यों फेल हुई? यार पता है कई लोग होते हैं बहुत सोच के स्टार्ट करते हैं बहुत बिजनेस में लगाने से पहले, तो ये करना चाहिए, इतना एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, शॉर्ट एनालिसिस जो होती है लोग सोच के करते हैं. मेरा ऐसा बंदा ना बहुत गट से चलता है, तो मैंने ना कंपनी स्टार्ट करी और उससे मैंने बस स्टार्ट कर दी और मैंने सोचा कि चल इसमें भी करते हैं. समटाइम्स दैट कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में ना फर्क आ जाता है, यू डोंट नो द रियलिटीज़, राइट. एंड व्हाट आई लर्नड इज दैट यू हैव टू स्टार्ट अ कंपनी, थिंक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डूइंग थिंग्स. सो मतलब जैसे मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि यार एक जैसे हमने ये स्टार्ट करी थी कंपनी का नाम था ई रैम्पेज मार्केटिंग, ठीक है. एक हमने स्टार्ट करी थी क्यूटी पाई लेन, वो होता है बच्चों का सामान ऑनलाइन बेचेंगे जैसे फर्स्ट क्राई वगैरह. तो मैं क्या करता था, मैं खरीद के बेचता था 100 रुपये की चीज़ 110 में बेच देता था ई कॉमर्स. बट मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि फर्स्ट क्राई और जो पहले कंपनीज आई थी ना हेवली फंडेड कंपनी थी, वो 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में बेचती थी. तो मैं अपने पैसे लगाया जा रहा था. मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि बस यहाँ तो या तो फंडिंग लो या निकलो. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी. और एक फर्स्ट कंपनी जो मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो हमने बहुत बड़ा ऑफिस लिया, बड़ी टीम बनाई, बड़ा एडमिन लिया, फिर मैंने ये सब और उसमें मेरा दिमाग ज़्यादा जाता था उसको मैनेज करने में ज़्यादा देन द बिजनेस. तो दैट लर्निंग कि बस पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट की तरफ जाओ, पहले प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, मार्केट अच्छी करो, बाकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. तो देन आई वर्क आउट ऑफ सोशल नो, एटलीस्ट आई लर्न दैट आई विल नॉट स्पेंड टू मच ऑन अदर थिंग्स. एंड जब तक कंपनी बड़ी नहीं होती बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले इसको सेट करके देखो प्रोडक्ट. हाँ, ग्लैमराइज ऑफिस बन जाएगा. आज तक मेरा ऑफिस वो आएगा ना, देखो लगेगा ही नहीं कि यार ये ऑफिस है हमारा. नॉर्मल सोशल वाइब दी हमने ऑफिस में,
काम करना है, काम के लिए करना है, राइट? एंजॉय करता हूं मतलब काम करता हूं, फील आते हैं हमारे ऑफिस में आएगा ना तो इट्स लाइक अ कॉलेज की कैंटीन, इट्स लाइक दैट फील. बट तो बट अब क्या होता है आजकल प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योर का, वो बड़े ऑफिस खोल देते हैं. तो मैंने भी किया था कि पहले सबसे पहले जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मैं बहुत अच्छा ऑफिस बनाया, बट रियलाइज किया कि भाई बचा ले फ्रुगैलिटी. आई लर्न इमोशनल डिसीजंस होता है, इमोशनल ऐसे काम करना है, ऐसे ही होता है क्योंकि बड़ी कंपनियों से आए थे हम, हमने सोचा था ऐसे ही होते हैं काम. तो बट फाइव कंपनीज चाहिए. या यू वांट टू टॉक अबाउट द अदर्स? आई कैन, श्योर, बताइए. ये जनरली मुझे भी जानना है बिकॉज़ ऑल दिस हैपेंड इन योर 30s. आई एम आस्किंग यू अ पर्सपेक्टिव क्योंकि बहुत सारे लोग जो 20s में अभी जेन ज़ीस मेरे एज के लोग भी, आई एम 93 बॉर्न. Yeah. I'm going to turn 30, but similar age. Yeah. 92, 93. Feel, you should feel young. I'm very chill with age. Yeah. Many, but that's another level. Okay, got it. I'm probably chill with age also because of circumstances. I've gotten lucky. बहुत लोग कहते हैं कि there's no such thing as luck. I feel it. I also feel it, yeah. I feel there's a big thing called luck and circumstance. Circumstances lead you up to success. Yeah, I agree. Anyway, my point is, मैं खुद के दोस्तों को देख रहा हूँ, 20s में जो लोग हैं उनको देख रहा हूँ. सब लोग खुद पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि उनकी एज बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है एंड दे आर नॉट थिंकिंग दैट दे आर सक्सेसफुल. बट इट्स इंपॉर्टेंट नो स्टोरी लाइक दिस कि आप 30s में थे और तब आपने फेलियर्स देखे. बोर्ड की शुरुआत हुई व्हेन यू वर 34. आई एम अज्यूमिंग बिटवीन 30 एंड 34 ये फेलियर हुए थे. 36 में जाके बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ. ओके, 6 साल स्टिल. हर साल मतलब एक कंपनी स्टार्ट करी और हर साल एक कंपनी फेल हुई? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, हर साल हुई. मैंने सबसे पहले स्टार्ट करी थी मैं 22-23 का. ओके. हाँ, डैड के साथ स्टार्ट करी थी और मैं नहीं कहता वो फेल हुई थी. मैं बता रहा हूँ कोई भी कंपनी मेरी फेल नहीं हुई थी क्योंकि जो मेरे को वहाँ सीखा था ना वो मेरे को कहीं किसी एमबीए स्कूल में नहीं सीखा. व्हाट दे डोंट टीच यू एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, एक बुक बनानी चाहिए ना. व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, आई थिंक आई शुड राइट अ बुक कॉल्ड व्हाट दे डोंट टीच यू एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस. दे डोंट टीच ऑल दिस एट बिजनेस स्कूल, जनरली इंडियन बिजनेस स्कूल एंड एनी बिजनेस स्कूल, नॉट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियन बिजनेस स्कूल. Failures के बारे में whatever. So what life teaches you now? You know, nothing else can teach you. What entrepreneurship as a whole teaches you, what when you go and work, when you can teach people in companies, you can teach them administration, you can teach them politics. But what happens when real life politics happen in companies, nobody can teach you unless you experience politics in your companies. You know what I mean? You can teach, they can teach you Markstrat करके course होता है, you know, एक simulation game होता है Markstrat. आप सब खेलते हो पढ़ते हो, लेकिन जब आप real life में कॉम्पिटिशन स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग यूज़ करते हो ना वो बहुत डिफरेंट होती है. जब आप मार्केटिंग सीख के आते हो और जो मार्केटिंग यूज़ करनी पड़ती है बहुत अलग है. तो जितना आप घिस के सीख सकते हो ना, जितना आप हार्डवर्क से सीख सकते हो, जितना आप गिर के सीख सकते हो ना, उतना आप किसी चीज़ से नहीं सीख सकते. तो मैं बहुत सीखा हूँ अपनी पुरानी फेलियर्स से और मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मेरे फेलियर्स रहे. एक लर्निंग थी फ्रुगैलिटी और प्रोडक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग. और कुछ था और कुछ ऐसे लर्निंग? आरओआई ड्रिवन माइंडसेट. तो यू नो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू स्टार्ट गेटिंग दैट आल्सो. अगर आप 10 हर चीज़ डाल रहे हो तो भाई उसका फायदा देखो क्या है. आज भी मैं अपनी कंपनी में हम लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं मार्केटिंग में. वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी फॉर लास्ट सिंस द टाइम वी बिगन एंड नाउ यू नो इफ यू लुक एट द मार्केट टुडे एवरीबॉडी इज लुकिंग एट प्रॉफिटेबिलिटी. मैं तो तब से कह रहा हूँ पता अभी क्या हुआ, एक ना बहुत बड़ा फंड है. ये बनिया माइंडसेट भी है. हाँ, खून से बनी है. और को फाउंडर गुजराती और चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एमबीए फाइनेंस. तो इट्स नॉट अबाउट बनिया माइंडसेट, इट्स जस्ट द वे वर्ल्ड वर्क्स. इतने का खरीदा, इतने का बेचा, ये मुनाफा बीच ऐसे ही होता है ना. इतने का बनाया, इतने का बेचा, ये बीच में मुनाफा. इंडिया में क्या हो रहा था ना, अभी एंटरप्रेन्योर्स होना बर्न रेट का ना एक फैशन आ गया था. द बर्न रेट, व्हाट्स योर बर्न रेट. एक मैं फंड के पास गया, उसने बोला गाइस व्हाट्स योर बर्न रेट, मतलब भाई तेरे से ना हो पाएगा. और अभी वही फंड ने एक बहुत बड़ा नोट निकाला लास्ट ईयर कि पीपल शुड नॉट लुक एट यू नो लुक एट प्रॉफिटेबिलिटी, लुक एट कैश फ्लो मैनेजमेंट. मैंने मेरा इतना मन कर रहा था बोलने का, अरे भाई बचपन से हम यही बता रहे हैं हमारे को ऐसे ही होता है. सो पीपल आर रियलाइजिंग नाउ दैट प्रॉफिटेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. बट देयर इज अ रैट रेस ऑफ स्टार्टिंग अप विच इज चेंजिंग थैंकफुली. अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या चल रही है इंडिया में, मतलब अभी सबसे बड़ी जैसे पहले चल रही थी कि वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे थे, वो चेंज हुई. दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम इन एंटरप्रेन्योर्स टुडे दैट दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर द नेक्स्ट. They have cracked it. They know it all. मैं आज तक सीख रहा हूँ. मैंने इतनी गलतियाँ करता हूँ और गलतियों से सीख रहा हूँ, लोगों की गलतियों से सीख रहा हूँ. आई थिंक लाइफ लॉन्ग लर्नर इज समथिंग विच आई ऑल्सो लर्न दैट यू कैन नॉट नॉट लर्न. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई कॉम्पिटिशन, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम वी केम वी सॉ वी डिसरप्टेड, समबडी एल्स कैन कम एंड सी एंड डिसरप्ट अस ऑल्सो. सो आई फील लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड यू, लर्न फ्रॉम, आई लव लर्निंग फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स, आई लव लर्निंग फ्रॉम यंग पीपल बिकॉज और जो एनर्जी उनमें होती है ना, जो नई चीज़ें होती हैं वो नए. मैं कॉलेजेस जाता हूँ ना, मैं लोगों से, मैं लोग सोचते हैं वो मेरे से सीखेंगे, मैं उनसे सीख के आ रहा होता हूँ. सो आई यूज दैट प्लेटफॉर्म टू लर्न फ्रॉम पीपल द यंग माइंड्स बिकॉज दे आर डिफरेंट यार. यू नो एवरी टाइम, एवरी पहले होता था एवरी 10 ईयर्स जनरेशन चेंजेस, आई थिंक एवरी 2 ईयर्स नाउ द जनरेशन चेंजेस.
इन शॉर्ट समराइज करने की कोशिश करूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट ड्रिवन माइंडसेट, आरओआई ड्रिवन माइंडसेट, ह्यूमिलिटी और कांस्टेंट फीडबैक लूप्स एंड हसल। आई थिंक वो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बेसिक्स इज व्हाट मैटर्स इवेंचुअली। पैसे बनाओ, हां पैसे बनाओ, पैसे बनाओ, सही काम करो, अपने ग्राहक को समझो। अब अमन भाई व्यूज के लिए आपको शार्क टैंक के बारे में पूछूंगा। व्यूज मतलब मेरे व्यूज? नहीं मेरे व्यूज, तेरे व्यूज। हमारे व्यूज, अपने व्यूज के लिए मेरे व्यूज पूछे शार्क टैंक, दैट इज व्हाट यू मीन। करेक्ट। चलो पूछो, कुछ बताइए शार्क टैंक का फ्यूचर क्या है जनरली स्पीकिंग, एंड डू यू थिंक यू विल बी देयर एवरी सीजन? भाई जब तक मेरा ना मेरी वाइफ पता क्या कहती है, प्रिया क्या कहती है, मैं सरोजिनी नगर में शॉपिंग कर रही हूँ, तू यहाँ जाके शार्क टैंक में शॉपिंग कर रहा है। सो शार्क टैंक कंपनीज हैव टू स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट टू इयर्स फॉर मी टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, अदरवाइज माय वाइफ विल नॉट लेट मी इन्वेस्ट मोर मनी। सो अनदर टू इयर्स थ्री इयर्स दे शुड स्टार्ट शोइंग रिजल्ट। द पेपर मनी इज गुड दैट वी आर डूइंग वेल, बट इट हैज टू उसको दिखना चाहिए कि उसका असली बन पैसे बने। शार्क टैंक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है बॉस। इंडिया में जब तक एंटरप्रेन्योरशिप वेव अभी तो स्टार्ट हुई है, इफ यू लुक एट हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो स्टार्टअप तो इंडिया में अब तो बच्चा बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानता है, एबिटडा जानता है, आरओआई जानता है, मेरी ताई जान जानती है, मेरे ताऊ जी बात करते हैं, मेरे पापा मॉम सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि बेसिक्स ऑफ बिजनेस क्या है। तो शार्क टैंक ने ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप तो फैला दिया, तो शार्क टैंक विल सर्वाइव। अमन गुप्ता कैसा रहा आपका पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस आज? यार मेरे तो तेरे व्यूज बताएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, नॉट मी। अच्छा ओ शिट, ये तो बड़ा मैं पहले बता दिया प्रेशर है, फिर मैं तेरे को कंट्रोवर्शियल कंटेंट दे देता हूं, तो चलता ही है। नो आई थिंक आप काफी अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हो, आपने हमें बहुत अच्छा हार्टफेल्ट पॉडकास्ट दिया, तो जो कि बहुत सारे मोटिवेशनल पेजेस इसे पिकअप करने वाले हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन टीआरएस। एंड में कुछ कहना चाहोगे लिसनर्स को, शार्क टैंक व्यूअर्स को? देखते रहिए शार्क टैंक और खरीदते रहिए बोट, और मिलते हैं आगे टीवी पे, और अगर आप शार्क टैंक देखो तो बोट के हेडफोन लगा के देखो। ज्यादा पिचिंग हो रही है, ज्यादा बोट बोल रहा हूं, गुड मार्केटिंग, मैंने सोचा थोड़ी मार्केटिंग भी कर दूं फ्री में, पर्सनल ब्रांडिंग का एक फायदा होता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो, मजा आया आपसे बात करके, आपसे सीख के, क्योंकि आप में है और भी पॉडकास्ट, एंड फाइनली मैं आपसे खुल के बातें कर सकता हूँ, सो आई लाइक दैट। ठीक है, तो थैंक्स फैन, मजा आया तेरे से बात करके, अभी तो स्टार्ट ही हुए थे, ऐसा लग ही नहीं रहा कितना टाइम हो गया, मेरे को तो लग रहा है 2-3 घंटे और निकाल सकते हैं, तेरा पार्ट 2 ला सकते हैं इस पॉडकास्ट का। आइए आप सीजन 3 ऑफ शार्क टैंक में। बट थैंक यू अमन भाई, ग्रेट टॉकिंग टू यू, थैंक यू मैन, थैंक्स। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, हमें ये बताइए कि और कौन से बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और शार्क्स को आप देखना चाहोगे टीआरएस पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये था हमारा अमन गुप्ता स्पेशल टीआरएस पर। हमें ये भी बताइए कि अगर अगली बार अमन भाई लौट कर टीआरएस पे आएंगे तो आप उनसे क्या जानना चाहोगे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, लेवल सुपर माइंड को डाउनलोड कीजिए, टीआरएस बहुत ही जल्द लौट के आएगा। भाई एक बात जो सच है कि जिंदगी में फेलियर से बगैर जो है ना आपको कामयाबी नहीं मिलती, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में सीखनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाकर आप जो है एक राइट डिसीजन जो है वो ले पाते हैं। आप अगर जॉब्स करते हैं, जॉब से भी आपको एक तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है ना आप जब अपने काम में आते हैं ना आपको स्टार्टिंग में फेलियर ज़रूर देखने पड़ते हैं। ओके, सो शार्क टैंक जब मैंने देखा था तो मुझे अमन वहाँ पर बहुत ही, मतलब मुझे लगता है जितने भी शार्क्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फनी मुझे यही लगते थे, और मतलब जिस तरीके से इनका एक बात करने का तरीका, और जो कंटेस्टेंट आता था उसको हम कहेंगे कि ट्रैप करने का तरीका आता था, बड़ा मुझे मजा आता था देखने का। और सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, और इनकार करने का सबसे अच्छा तरीका भला किसका होता था? वनीता मैम का। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो जिस स्टाइल से बात करती होती थी। आई एम आउट। हाँ ले, ऐसे तो वो बिल्कुल ही बोलती नहीं, मैंने बोला ना भाई, कहीं बहुत ही ये तो खौफनाक रात वो बोला। लेकिन खैर एनीवे, मैं कहूंगी कि लाइफ में आपको कुछ चीजों में चेप होना चाहिए, और उसकी रीजन ये है कि जब अब तक आप चेप नहीं होते आपके काम नहीं होते। सो मैं बिल्कुल अग्री करूंगी, ठीक है उनका थोड़ा लव स्टोरी का एंगल था, बट मुझे लगता है कि आपको हर चीज में चेप होना जरूर बनता है, लाइक चेप अब उस तरह वाला भी नहीं, अगर अगला बंदा नहीं चाह रहा, खैर उनकी बंदी तो चाह रही थी, बट आपका काम है, आप अपने काम के साथ कितना सिंसेयर हो और बाकी सारी चीजें, क्योंकि जब तक आप डेडिकेशन नहीं शो करते आपका काम नहीं होता। सो मुझे लगता है कि एक जो हम लोग वाकई में चीज लेकर बैठते हैं ना कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं होगा,
ऐसा नहीं होता और ये चीज़ सच में शुरू में कोई नहीं आपको समझाता, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आती हैं वक्त के हालात के मुक्के शुक्के थप्पड़ शब्बड़ सब कुछ पड़ते के हैं जब एग्जैक्टली उसके बाद आपको समझ में आती है कि भाई किस्मत का रोल नो डाउट होता है बट उसके साथ साथ आपकी मेहनत का रोल बहुत ज़्यादा होता है। भाई इस बात में तो कोई शक नहीं कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है ना आपको उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आपका जो है बीच में एक लक फैक्टर भी होता है, लेकिन लक फैक्टर भी जो है ना वो तब ही काम करता है जब आप उस चीज़ के लिए जो है मेहनत कर रहे हो। अगर आप घर में बैठे रहे बैठे बैठे कह दें कि भाई ये काम हो जाए रोटी बन जाए ये हो जाए, भाई ऐसा कुछ नहीं, तो रोटी भी अगर बनानी है उठ के लिए उसके लिए आपको आटा गूंदना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको खाना मिलता है। तो मर्दों को तो बैठे बैठे ही खाना मिल जाता है, तो जो बाजार से सामान लेके आते हैं वो चल के खुद ही आता है, वो भी औरतें ही ज्यादा लेकर आती हैं। भाई कह सकते हैं भाई औरतें ही लेके आती हैं, मर्द तो कुछ नहीं करते बस घर में बैठे रहते हैं, जॉब से फिर वापस आकर घर आ जाते हैं और फिर कहते हैं हमने बहुत काम कर लिया, और औरतें जो उनकी हैं वो बेचारी बाजार से चीजें भी लेकर आती हैं। मेरी भी मजलूम आज, मैं इसमें मजलूम की बात नहीं है, मैं जो ज्यादातर यहाँ पर लेडीज को देखती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगी। अब किसी को ज्यादा ही बेचारा बनने की अगर आदत है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट पाकिस्तान में औरतें ज्यादा काम, बिल्कुल भाई हम एग्री करते हैं औरतें बहुत काम करती हैं। लेकिन देखो ना कहते हैं ना कि अगर आपने अर्न करना ना तो आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा फिर आप अर्न करेंगे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि लर्निंग का प्रोसेस बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए, आपकी सराउंडिंग से आपको लर्न करना चाहिए। बट मुझे ना जेंजी से एक प्रॉब्लम है, उनसे ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत एम्बिशियस होने के साथ साथ इतने रियलिस्टिक नहीं होते, वो चीज़ों को उतना प्रैक्टिकली लेकर सोचते नहीं है। और जैसे उन्होंने बोला ना कि आपको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए कभी भी आप कोई काम करते हो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, बट मुझे ना जेंजीज में हवाबाजियां ज़्यादा नजर आती है। असल में जो आजकल की जनरेशन है ना वो बगैर एक्सपीरियंस के बगैर मेहनत के जो है ना सब कुछ हासिल करना चाहती हैं, उनके लिए वो होता है कि उनके माँ बाप का जो एक्सपीरियंस है ना जिंदगी का वो बस उनको जो है ना किसी तरह मिल जाए, और यानी कि कारोबार की सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, और वो जो है अपनी ज़िंदगी जो है एक लश और एक लग्जरी तरीके से जो है वो गुजार सके। लेकिन रियलिटी में अगर चेक करें तो भाई ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप किसी माँ बाप का भी अरबों का बिजनेस होगा ना और आगे बेटा जो है वो अयाश होगा तो वो कारोबार एक ना एक दिन जो है ना वो बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ये एक रियलिटी है। तो अभी मैं मोस्टली देखता हूँ यानी कि यहाँ पर ये मेरी चीज़ देखने को मिलती है कि यानी कि कुछ मेरे दोस्त हैं कि उनके फादर्स के बिजनेस हैं लेकिन फिर भी वो जो है जॉब कर रहे हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं ताकि वो एक्सपीरियंस हासिल करें, और जब उन्हें फील हो कि हाँ भाई वो इस लेवल पहुंच चुके तो फिर वो अपने जो है फादर के बिजनेस में जा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है जब भी कोई बिजनेस करना था वो पहले खुद उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए फिर उसके बाद आप बिजनेस करो। बाकी बहुत मजा आया, बहुत ही मैं कहूंगी कि एक लाइट सी कॉन्वर्सेशन हम लोग को सुनने को मिली, और हमेशा की तरह हमें एक सक्सेसफुल इंसान की जो उसके फेलियर्स हैं जो जिससे उसकी स्ट्रगल है उससे क्या कुछ हम सीख सकते हैं और इंस्पिरेशन ले सकते हैं वो जानने को मिला। आप ज़रूर बताइएगा अपने साइड की स्टोरी के आपको आपकी लाइफ में मोटिवेशन कहाँ से मिली, और जो भी आप काम कर रहे हैं आई मीन उसको लेकर आप कितने खुश हो, क्योंकि इंडिया में तो अनडाउटली अब जितने भी स्टार्टअप कल्चर है मेरे मुंह से ना स्टैंड अप निकलने लगा था हाँ स्टार्टअप कल्चर है वो तो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आप लोग मतलब कौन कौन क्या सोच रहे हैं, कौन सा बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है, या आपका इंटरेस्ट किस में है वो जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं ज्यादा वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।